ये हमारी परेशानी क्या है, हमारे गलियां क्या है, हमारे रोड़ा क्या है, हमें क्या है, ये इनको कुछ मालूम नहीं होता, सिर्फ वोट मांगने आते हैं लोग। अनीस फातिमा, आप हमारे 2500 वोट ये जो सोनिया गांधी कॉलोनी के हैं उससे है ने आप जीत कर आज जो सीट पे बैठे हैं। टापा रहे, पिछवा रहे, नाले बराबर ने, ये दुनिया का रोड बराबर ने, वैसा भी जी रहे वैसा ही सफर कर रहे। यहाँ के लोग जो है ना कांग्रेस को वोट करते और कांग्रेस अपनी समझ को वोट करते है, लेकिन कांग्रेस वाले कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आज बनाती कल बनाती, मतलब ये कॉलोनी कहीं में भी नहीं आती, बोलती तो कहीं में आती है, फिर वोट डालने कैसे, कहीं को आती है चिट्ठा लेको वोट डालो बोले तो हमें वोट कैसा डालना बोलो। गुलबर्गा शहर के सोनिया गांधी कॉलोनी की आवाम बेसिक एम्यूनिटीज को लेकर काफी परेशान है। लगातार शिकायत के बावजूद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सोनिया गांधी कॉलोनी के लोगों ने कहा पिछले 20 सालों से रोड, नल, ड्रेनेज जैसी बेसिक फैसिलिटीज के लिए एमएलए और कॉरपोरेटर से शिकायत करने के बावजूद अब तक लगातार इनकी फरियाद को नजरअंदाज किया गया है। इस कॉलोनी के लोगों की परेशानी को देख रेहाब इंडिया फाउंडेशन के जिम्मेदार अपनी जानिब से इस कॉलोनी को डेवलप करने में पिछले 5 सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, पर अफसोस की बात तो यह है 20 सालों से इस कॉलोनी के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर हाल ही में डिलिमिटेशन के बाद सोनिया गांधी कॉलोनी और आसपास के दीगर इलाकों को कॉरपोरेशन बॉडी के बाहर फेंक दिया गया है। अगर हम आज की बात करें तो यहाँ के लोग एक लावारिसों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, ना ही इन लोगों को सिटी लिमिट में काउंट किया जा रहा है और ना ही रूरल इलाके में। अगर आप सोनिया गांधी कॉलोनी के लोगों के वोटर आईडीज चेक करेंगे तो गुलबर्गा नॉर्थ इलाके में इनके वोटर आईडीज बनाए गए हैं और यहाँ के तमाम लोगों ने कहा इनके टोटल 2500 वोट हैं, जो कि तमाम वोट 2018 में गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा को दिए गए हैं। इस कॉलोनी के वोटर्स के बदौलत आज कनीस फातिमा एमएलए बनी हुई हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कॉलोनी के लोग परेशान हैं और कनीस फातिमा के घर बार बार जाने के बावजूद इनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तमाम कॉलोनी के लोग जमा होकर गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा अगर इस कॉलोनी के लोगों की फरियाद को नजरअंदाज किया जाएगा तो आने वाले दिनों में तमाम कॉलोनी के लोग जमा होकर हागरगा क्रॉस पर रिंग रोड को ब्लॉक कर रास्ता रोको एहतजाज करेंगे। ये सोनिया गांधी कॉलोनी 2003 में बनी, 2003 आज से 19 साल हुआ और यहाँ के लोग जो है ना कांग्रेस को वोट करते और कांग्रेस अपनी समझ को वोट करते, लेकिन कांग्रेस वाले कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। और जो है ना मैडम कनीस फातिमा खाली इलेक्शन के वक्त आते हैं, घर घर घूमते हैं, वोटिंग करो बोलते करते, वोटिंग लेने के बाद उसके बाद भट्टों को तो देखते नहीं यहाँ। और हम कुछ हुआ यहाँ, अगर कोई किसी का डेथ हुआ, कोई मर गया तो उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, कॉर्पोरेशन जाके बोलने के बाद क्या बोल रहे वो हमारे अंडर में नहीं आता बोल रहे हो, तो अगर कोई मर गया तो उसका ये नहीं बन सकता, तो हम मतलब हम लावारिस है क्या, हमारी कोई अहमियत नहीं है, हम सिर्फ आप वोटिंग करते वक्त ही हमारी अहमियत है आपकी नज़र में, उसके बाद हमारी कोई औकात नहीं आपकी नज़र में, और हम क्या लावारिस बन के जीना क्या है बोलो। अगर आप हम आप आने वाले दिनों में हम क्या है मालूम है एक बड़े तादाद पे रिंग रोड बंद करने वाले हैं, अगर हमको कौन सपोर्ट करता हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। देखो डेनिजा का नहीं हुआ, सड़का का नहीं, नालियां का नहीं, पानी का नहीं, हमारे हाथिया नहीं दिख रहे, घरे लोग होने पड़े ना होने लगे, कैसा करना है, आज बनाती कल बनाती, मतलब ये कॉलोनी कहीं में भी नहीं आती, बोलती तो कहीं में आती है, फिर वोट डालने कैसे, कहीं को आती है चिट्ठा लेको वोट डालो बोले तो हमें वोट कैसा डालना बोलो, नहीं बोले तो 8 दिन के अंदर करे तो अच्छा, नहीं तो रिंग रोड महबूबनगर सब पूरा बंद करके छोड़ते, पूरा बंद करते, वहाँ शतरंज बेचा रास्ता नहीं, वहाँ सोचे तुम्हें देखो कटे कनीस फातिमा 5 साल पहले वोट मांगने आए थे, वोटा डाले पूरे कॉलोनी वाले, लेकिन आज तक उन्होंने आकर फटक करने देखे, जब वोट मांगने आए थे जबीच आज तक नहीं है। हमारे को कनीस फातिमा से गुजारिश है कि अगर सोनिया गांधी कॉलोनी में अगर आपका वोट आपके इसमें नहीं आता तो फिर वोट मांगने क्यों आए थे आप, अगर आप अगर वोट मांगने आए थे आकर काम करो, नहीं बोले तो नहीं, इंशाल्लाह हम तुम्हारे को नेक्स्ट बार एमएलए से सीधा सीधा गिरा देंगे, नेक्स्ट पार्टी को लेकर आएंगे जो हमारे एरिया को जो सुधारेंगे, हम वही पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे पूरे कॉलोनी वाले। आप कनीस फातिमा, आप हमारे 2500 वोट ये जो सोनिया गांधी कॉलोनी के हैं
उससे है नहीं आप जीत कर आज जो सीट पे बैठे हैं। अगर ये 2500 वोट अगर आपको अगर नहीं गिरते दूसरे अपोजिशन वाले गिरते तो आज उन जीतता था। ये पाने चिक्कड़ बाबा छोटे छोटे बच्चे साहब दुनिया के बच्चे फिर रहे बड़े फिर रहे गिर गिर जा रहे दुनिया का पानी आ रहा है सापा आ रहे बिछुआ रहे नाले बराबर नहीं ये दुनिया का रोड बराबर नहीं वैसा भी जी रहे वैसा ही सबर कर रहे जरा करो जरा मेहरबानी होती गरीब लोगों को देखो जरा वोटिंग मांगने आते हैं वोटिंग के बाद 5 साल तक नहीं आते फिर उसके बाद 5 साल के बाद आते ये हमारी परेशानी क्या है हमारे गलियां क्या है हमारे रोड़ा क्या है हमें क्या है ये इनको कुछ मालूम नहीं होता सिर्फ वोट मांगने आते हैं लोग किसको बोलना हमें ये बनावल को 5 साल तक इंतजार करना इनका बहुत परेशानी हमारे तो रोड की नाली की संदास की बहुत परेशानी पानी की भी परेशानी हमारे नीचे नाला की कॉलोनी में रह कर भी नहीं रह जैसा है रह कर भी कॉलोनी में कुछ सही सहूलत नहीं मिल रही इसलिए कॉलोनी को लावारिस कर दिए सिर्फ वोट के लिए आते हैं कुछ काम भी नहीं करते हम लोग का गली वो सब वैसी पड़ी गली में चिक्कड़ चलने फिरने के लिए तकलीफ हो रही है बच्चों में सड़ासड़ गिर रहे बूढ़े जहीर सब है वोट मांगने आते हैं बाद में किसी को नहीं देखते आज हम बेवा हमारी बेटी बेवा सब कुछ है ये बेचारे आते हैं बेंगलुरु से उन्होंने इंतजाम करे बच्चा की पढ़ाई लिखाई और जाफर भाई नाला का कर रहे हैं टाइमिंग पे पानी छोड़ दे दोनों नहीं रहे तो कॉलोनी मर जाती हमारे को खाना दे रहे हैं पानी दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं जाफर भाई और आपके रिया फाउंडेशन बच्चा की इज्जत कर रहे हैं आज उन्होंने बोलो बेंगलुरु से आ रहे बेचारे उनको क्या 5 पैसे देते हैं हम लोग कुछ नहीं देते आज हमारा घर गिरा आज हमारे घर वाली खाली कर हमें कहाँ जाना आपको देखो रिहा बिंडा फाउंडेशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर सोनिया गांधी कॉलोनी में तकरीबन 2015 से काम कर लेके हूँ मैं यहाँ पे जो है वाटर का प्रोजेक्ट पानी ये करे 4-5 बोरन डाले 9 वाटर का टैंक 2000 लीटर के 9 टैंक बनाए उसके बाद में जो है बच्चों को 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक फ्री ट्यूशन है उसके बाद में टेलरिंग सिखा रही मोर देन 1000 वुमेन्स से यहाँ पे टेलरिंग सीखे है टेलरिंग के अंदर जो है वूलन का काम चलता इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश चलती है कंप्यूटर चलता है मेहंदी डिज़ाइन चलती है या और कंप्यूटर चलता है यहाँ पे और जो है पीयूसी के वास्ते भी ट्यूशन है करी उसके बाद में एजुकेशन के रिलेटेड है ना बहुत से काम कर को ही एजुकेशन रिलेटेड से लेके है ना कमिश्नर से लेको बीओ तक जाको अप्रोच कर को करें ये स्कूल की कंडीशन है अच्छी नहीं थी अब अल्लाह के फसल कम से अच्छी कंडीशन है वो यहाँ तक इसके पहले जो है हम शरण प्रकाश पाटिल को भी बात कर रहे थे शरण प्रकाश पाटिल आए थे हमारे कॉलोनी को उन्होंने बहुत सपोर्ट करे हमने 60% रोड और ड्रेनेज सिस्टम बनाए इसके बाद में जो है प्राइम मिनिस्टर से लेकर कॉरपोरेशन कमिश्नर तक दिया हमें मैं उसके बाद में जो है KKRDB चेयरमैन के पास गया अप्पू गौड़ा के पास उनको भी लेटर दिया लेटर देने के बाद उन्हें क्या बोले ये नॉर्थ का मंजे नहीं आता खमर इस्लाम साहब की कॉलोनी है कॉन्स्टिट्यूएंसी तो मैं MLA से बात करो अगर को बोले मैं बोल यार तुम्हें चेयरमैन पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के खाली ना साउथ के तुम्हें ये नहीं है बोल को बोले उनको बोलने के बाद MLA से फ़ोन कराओगे MLA के पास से अभी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं रहा ये नहीं करे उन्होंने फ़ोन भी नहीं करे उसके पास तो क्या भी उनका पर रेस्पॉन्स ही नहीं रहा उसके बहुत बार एक मोर देन 10 to 15 times मिल जाओ को मिला उनसे नॉर्थ MLA के पास बोले तो है ना उन्होंने फ़ोन नहीं करा अगर उन्होंने फ़ोन करके रहते तो अपोगड़ा वो सैंक्शन करते थे उसमें KKRDB का फंड रहता है उसके बाद अमृत का फंड रहता है कोई से भी एक फंड से करो अगर को बोले थे उन्होंने करे नहीं फ़ोन करना था फ़ोन नहीं करे उसके बाद में जो है अब कमिश्नर को एक बार लेटर दिया अब प्रेजेंट कमिश्नर को उन्होंने वेरी सेकेंड डे आको इंस्पेक्शन करे इंस्पेक्शन करने के बाद ये कॉलोनी कॉरपोरेशन को नहीं आती कर को 20 साल पहले ये कॉरपोरेशन का वार्ड नंबर 2 बोल को SM कृष्णा इनाग्रेट करे ये इसके अंदर पूरी लिस्ट है क्या कौन से आए थे धर्म सिंह से लेको पूरे अकमल इस्लाम सब थे मिनिस्टर्स इसके अंदर वो बोर्ड था मैं बोर्ड की फोटो लिया था बाद में जब बोर्ड की फोटो है करो मैंने बोर्ड इस निकाल को फेंक डाले उसके बाद मैं बोला बोर्ड निकाल को फेंके तो कोई बात नहीं मेरे पास फोटो है बोल गया ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्राइम मिनिस्टर को भेजा मैं मोदी साहब को भेजा वहाँ से भी लेटर आया उन्होंने क्या करे सीधा इसे लेटर लिखे विधानसभा बेंगलुरु को चेयरमैन को उन्होंने क्या करे वहाँ से DUDC डिपार्टमेंट को लिखे DUDC डिपार्टमेंट वाले कॉरपोरेशन कमिश्नर को लिखे क्या उनको नहीं मालूम था कि कॉरपोरेशन को नहीं आता बोल को उन्हें जिला पंचायत को लिखना था नहीं तो तालुक पंचायत को लिखना था कई को कॉरपोरेशन को पर्टिकुलर लिखे उन्होंने लेटर चीफ सेक्रेटरी जो है इनका लेटर चीफ सेक्रेटरी गया था चीफ सेक्रेटरी से फिर मैं बात कर
उन्होंने क्या करे डीयूडीसी डिपार्टमेंट को ले, डीयूडीसी डिपार्टमेंट वाले क्या करे कलबुर्गी महानगर पालिका के कमिश्नर को लेटर लिखे और वहाँ से अभी तक कुछ भी रिस्पांस नहीं। परसों आपको इन्होंने बोलती कि कॉर्पोरेशन को नहीं आती बोल को। वार्ड नंबर 2 20 साल के पहले हुआ था, कहीं को नहीं हुआ वो। वार्ड नंबर 2 कई क्या वास्ते थे यहाँ तक इलेक्ट्रिक के बोला के ऊपर भी जो है वार्ड नंबर 2 कर को है, कहीं को डाले वार्ड नंबर 2 बोल को नहीं डालना था तुम्हारा कॉर्पोरेशन को, नहीं तो नहीं डालना था। तो इसके पहले जो जो एस्टीमेट बना था कॉर्पोरेशन से बना था, वाटर बोर्ड से, वाटर बोर्ड से एस्टीमेट बना को कॉर्पोरेशन को भेजने के बाद ही काम हुआ यहाँ। यहाँ हमारे शरण प्रकाश पटेल साहब करे और वाटर पाइप डाले यहाँ पे, वाटर पाइप भी डाल को ही, मगर दूसरा काम कुछ भी नहीं। जो 40% काम है, ये 40% काम के वास्ते मैं 2016 से कंटिन्यूस अप्रोच कर ले हूँ। रीजनल कमिश्नर हुआ, असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर हुआ, डीसी हुआ, कॉर्पोरेशन हुआ, जिला पंचायत हुआ। जिला पंचायत वाले क्या बोलते, जिला पंचायत को ये नहीं आती हम नकालों ने, ये कॉर्पोरेशन को आते कहते। बाद में हिप्सी बरानी कुरलापति उन्होंने आए थे एक जाने के बाद, उन्होंने क्या बोलते हमला नहीं आती, ये कॉर्पोरेशन को बोलते है बोलो। मैं रेटिंग में दे बोलिया, रेटिंग में बोले दे बोले तो नहीं दिया रेटिंग में। ऐसा है ये क्या है, ये ऑफिशियल जो है इधर से उधर 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 से डांस कराते रहते लोगों को, क्या भी अप्रोच नहीं है। एक जब बॉडी थी, बॉडी रहने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। अब शरण कुमार मोदी रेस्ट में रोड भी ड्रेनेज करके छोड़ डाले थे, जाको उनको एक बार फायर करने में उन्हें क्या कर रोड डाले। अब जो 40% जो है 60% होकर है, 40% के वास्ते है ना हमें स्ट्रगल करी पिल्लर टू पोस्ट फिर ले को ही, मोदी से लेको नीचे तक। उसके बाद कुछ भी नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं है। मोदी से लेटर आता हमारा रेस्पॉन्स लेटर, मगर यहाँ से ये डिपार्टमेंट से कौन भी नहीं आते, लेटर्स नहीं देते, ऐसी हालत है यहाँ की। इसके बाद जो है इंशाल्लाह इसके बाद अगर कुछ भी अगर काम नहीं हो सूरत में है ना, यहाँ के लोग जो मिल को है ना रोड ब्लॉक करती और प्रोटेस्ट करती, इसके बाद तुम्हें क्या करना है उसके बाद तुम्हारा जमा, तुम कैसा कर सकती करो, ठीक है।